रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के इस 18 रन की जीत का जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स पर उन्होंने हासिल करी है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बता दे आपको कि अब 5 जीत के साथ 10 पॉइंट उन्होंने हासिल कर लिए है। लखनऊ सुपर जायंट्स आज थोड़ा ढीला रहे और जिसके चलते एक पराजय का उनको सामना करना पड़ा, लेकिन आज के मैच के जो स्टार रहे वो रहे बैंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसी, जिन्होंने बहुत ही शानदार एक पारी खेली। टीम दो विकेट खोकर से केवल शून्य रन पर थी पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद अकेले उस पारी को आगे ले गए फाफ डु प्लेसी और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, जिसके बाद बैंगलोर के गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी, खासकर की जॉश हेजलवुड ने, और लखनऊ सुपर जायंट्स एक भी बार लगे ही नहीं कि वो उस चेज में है। 4 अहम विकेटें जब भी कप्तान को जरूरत थी जॉश हेजलवुड ने वहां पर विकेट लाए, चाहे वो क्विंटन डिकॉक की हो, मनीष पांडे की हो, या आयुष बदोनी की हो, या आखिर में मार्कस टॉइनिस की विकेट लेकर उन्होंने मैच को बैंगलोर के नाम कर दिया। शहबाज अहमद फिर से आज ये नौजवान खिलाड़ी चमका, 4 ओवर 25 रन, कोई विकेट नहीं पर 10 डॉट बॉले करी, और हर्षल पटेल आज महंगे साबित हुए, आखिर में थोड़ी पिटाई पड़ी उनको जेसन होल्डर के बल्ले से, 4 ओवर 47 रन पर 2 विकेट उनके नाम। वरिंदु हसरंगा सिर्फ 2 ओवर करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आज जो स्पिनर की भूमिका थी वो शहबाज अहमद ने बखूबी निभाई, तो वरिंदु हसरंगा 2 ओवर 20 रन और कोई विकेट नहीं। तो ये था आज के मैच का लेखा जोखा, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स 182 रन का पीछा करते हुए केवल 163 बना पाए और इस मैच को हार बैठे।